आईफोन रखने वाला हूँ, एंड आप देखोगे जैसे ही मैं अपना आईफोन रखूँगा ये ब्लू हो चुका है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उस पर लिख कर आ चुका है कि वायरलेस चार्जिंग स्टार्टेड। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो में, जिसमें आज वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखो जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां आज के टाइम में आ रही, जो भी हाई एंड वेरिएंट आते हैं जो भी गाड़ी के, उन सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा इस साइड में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। बट दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या उस चीज के लिए हमें इतने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप जो वो हाई एंड फीचर है, जो आपके टॉप एंड वेरिएंट गाड़ियों में वो फीचर आता है वायरलेस चार्जिंग का, वो अपनी आप कोई सी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो मैंने अभी हाल ही में जो सेल चल रही थी अमेजोन की, जो सेल चल रही है उससे एक बहुत ही जबरदस्त वायरलेस चार्जर ऑर्डर करा है, जो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो और अपनी गाड़ी में भी यूज कर सकते हो। तो आज इसको आपको मैं पूरा कंप्लीट सेटअप करके दिखाने वाला हूँ, एंड बताऊंगा भी कितने वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग। तो मेक श्योर करें कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। अभी के लिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, दिखाता हूँ उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ जो है बॉक्स बहुत सिंपल सोबर सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, थोड़ा बहुत पेपर वर्क वगैरह भी है, वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका दोस्तों इसमें दो चीज निकल कर आती है, एक आता है आपका वायरलेस पैड ये वाला, एंड दूसरी तरफ जो है आपको आती केबल, एंड दोनों जो केबल है वो दोनों तरफ आपको टाइप सी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली आपके अगर घर में कोई चार्जर वगैरह है जिसमें आप ये केबल लगा सकते हो तो आप ये यूज कर सकते हो। उसके अलावा गाड़ी में हमें क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी गाड़ी में कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं है, इसलिए मैंने एक मेरे पास केबल पड़ी हुई थी ये वाली, जिसमें एक तरफ यूएसबी और एक तरफ टाइप सी है, तो मैं ये वाली यूज करूंगा अपनी गाड़ी में इसको सेटअप करने के लिए। सेटअप बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इधर की साइड आपको रबड़ वाले दो मिल जाएंगे, जो आपके कहीं भी इजीली है ऐसे रुक जाता है, देख सकते हैं वो वहाँ स्लांट पोजीशन, उसके बाद भी वो यहाँ रुक गया क्योंकि इसमें नीचे रबड़ की स्ट्रिप्स है जो इजीली इसको होल्ड कर लेती है, एंड आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टिक सा हो गया, स्टिक वैसा नहीं हुआ उसने, बस अपनी पकड़ बनाई है वहाँ पे। तो ये इस तरह से ऐसे लग जाएगा, पर जो है ब्रांडिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये क्यों मंगाया, क्योंकि यूनिजन काफी अच्छी ब्रांड है एंड ये काफी ज्यादा वायरलेस चार्जिंग वगैरह में डील करती, तो मुझे इस वजह से ये ब्रांड पसंद आया है। मैंने पहले भी दो तीन प्रोडक्ट यूज कर चुके एंड ये काफी अच्छा वर्क करता है। अब मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि चार्जिंग का क्या आउटपुट है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, जो मैंने सैमसंग का यूज करा, तो सैमसंग के केस में क्या था कि ये उस सैमसंग के फोन पे फास्ट चार्जिंग लिख कर आ रहा था, तो 15 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग सैमसंग के फोन सपोर्ट करते हैं उसमें ये अच्छा काम कर रहा था। और दूसरा जो मेरा आईफोन है, आईफोन मैंने जब सपोर्ट करा तो जब टेस्ट करा तो मैंने देखा कि आईफोन पे ये 5-7 वॉट सी आउटपुट निकाल के दे रहा था। तो ये सीन है। अब फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ सेटअप, एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि फोन कैसे चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं आप कि मैंने सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लिया, वायर वगैरह जो है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको ढंग से एडजस्ट इसलिए नहीं करा है क्योंकि आपको मुझे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी। अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड लाइट जल रही है। अब रेड लाइट अगर जल रही है तो ये इंडिकेट करता है कि इस पे अभी करंटली कोई भी डिवाइस नहीं रखा हुआ है, जिस वजह से ये रेड पे है। अगर आप इस पे कोई डिवाइस रख देते हो तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है, एंड उसके बाद ये डिटेक्ट करती है कि आपका जो भी डिवाइस है वायरलेस चार्ज हो रहा है। इस पे मैं अपना ये आईफोन रखने वाला हूँ, एंड आप देखोगे जैसे ही मैं अपना आईफोन रखूंगा ये ब्लू हो चुका है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उस पे लिख कर आ चुका है कि वायरलेस चार्जिंग स्टार्टेड। 23% पे ये वायरलेस चार्जिंग है एंड ये स्टार्ट हो चुकी है, एंड वो कंटिन्यूस ब्लू बना हुआ है। देखते हैं 5 मिनट बाद ये 23% है कितना चार्ज हो जाता है। अभी तक तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, एंड अभी देखते हैं कि लास्ट में इसे क्या रिजल्ट निकल करते हैं, 5 मिनट बाद कितना परसेंट चार्ज कर देता है आईफोन को। एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है इसको खरीदने के लिए, तो अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है अमेजोन पे, एंड उसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको इस वायरलेस चार्जर का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि अगर आप इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए, तो डेफिनेटली एक बार लिंक जरूर से चेक कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट के बाद 25% जो है फोन चार्ज हो चुका है, तो यानी कि आपका 5 मिनट में 2% फोन चार्ज हो रहा है, एंड कुल मिला के मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी स्पीड्स हैं, एंड मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ये डिवाइस, एंड अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं इस डिवाइस को तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड मेक श्योर करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, किसी वजह वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी अर्शद साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, एंड ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव सेफ।